हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपिसोड 3 ऑफ स्कूल चले हम, जहां पे आपके फेवरेट क्रिएटर्स आते हैं और स्कूल टेस्ट देते हैं। एक होता है पास, जो कि आगे जाएगा 1,00,000 रुपए की दौड़ में। जो 1,00,000 रुपए मिलने वाले, मेरे को नहीं बताया था ये पार्ट। राका भाई, 1,00,000 मिलने वाले में और तैयारी करके आ जाता ना। हाँ, मैं पढ़ लेती थोड़ा। हाँ ना यार, पैसे के बारे में बात नहीं हुई थी राका भाई। आज जो हमारे साथ दो गेस्ट है, तो उनका इंट्रोडक्शन करा दे। फर्स्ट लेडीज फर्स्ट, बहुत ही क्यूट, दिखने में टाइनी बट दिल से बहुत बड़ी, बहुत ही गॉर्जियस एंड बहुत ज्यादा सैवेज, मिस अंकिता चौहान। तारीफ। थैंक यू राका, आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू फॉर कमिंग। और दूसरे मेरे फेवरेट स्ट्रीमर और वन ऑफ द बेस्ट मराठी स्ट्रीमर जो हमारे इंडिया में हैं, इतने एनर्जेटिक के रणवीर सिंह भी इनके एनर्जी मैच नहीं कर पाते स्ट्रीम पे। बस मुझे नहीं चाहिए 1,00,000, कितना अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू श्रीमान भाई एंड अंकिता अपना टाइम देने के लिए। वैसे राका भाई, आपने अभी कुछ टाइम पहले मेरे बारे में एक चीज बोली थी, वो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बोल सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो राका भाई ने बोला था कि श्रीमान भाई को स्ट्रीमर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना ही चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला था। और मुझे पता नहीं किसी ने सुन लिया वो, और लोकमत वालों ने मुझे नॉमिनेट किया है स्ट्रीमर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। अगले 4 दिनों में जा रहा हूँ मैं वहाँ पे। राका भाई, क्या बात, आपके भाई को अवार्ड दे। मैं तो चाहता हूँ कि आप जीतो भाई, आप जीतो, आप डिजर्व करते हो। हाँ भाई, आप नहीं जीतोगे तो कौन जीतेगा? आपकी स्ट्रीमिंग में जो एनर्जी है ना, मैं लेजिट मैच ही नहीं कर पाता वो, मतलब कोई मैच कर ही नहीं पाएगा। तो श्रीमान भाई, आप बताइए थोड़ा स्कूलिंग के बारे में, आप मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और सेकंड ईयर की केटी अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, ऑफिशियली मैं ग्रेजुएट नहीं। अंकिता, आप अपने थोड़ा बैकग्राउंड बताएं पढ़ाई में। तो मैंने ना काफ़ी प्लान किए थे, मतलब बचपन मुझे CA बनना था, फिर मैं कॉलेज में गई और मुझे रियलाइज आया ये तो अपने से नहीं होएगा। तो अच्छा। तो मैंने BAF कर लिया, विच इज़ बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, विच इज़ लाइक उसमें काफ़ी CA में जो पढ़ाई होती है। कौन सी डिग्री है भाई? तुम्हारे बाद आई थी राका? नहीं आई थी, मतलब मैं जब कॉलेज गई थी तभी वो डिग्री को फ्यू ईयर्स ही हुए थे, सो इट वाज न्यू। एक सेकेंड, इसका कहने का ये मतलब नहीं, गाइज मैं इतना बुढ़ा नहीं हूँ, ठीक है? मेरे और अंकिता के एज में सिर्फ 2 साल का फर्क है, मैक्स 3 साल का होगा। तो अंकिता, आपने फाइनेंस किया उसके बाद? उसके बाद फिर जॉब तो आइडियली मुझे वो फील्ड में ढूंढनी चाहिए थी, बट फिर मतलब मेरे फाइनल्स के लास्ट फ्यू मंथ्स में मैंने कंटेंट राइटिंग की इंटर्नशिप की थी, तो फिर मेरा डिग्री खत्म होने के बाद मैंने कंटेंट राइटर का ही जॉब किया था, कि आई रियली लाइक दैट, मतलब वो नेचुरली, लाइक इट केम टू मी नेचुरली, आई वॉज रियली गुड एट इट व्हेन आई डिड द इंटर्नशिप। उसके बाद आई गॉट इनटू डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद देन आई गॉट इनटू यूट्यूब फाइनली। बाप रे, इतना सब करके मतलब हार गई आप फाइनली और YouTube पे आई गई? मतलब आप समझ रहे हो कितना बड़े बड़े काम करे फिर उनको बोला यार छोड़ो YouTube कर YouTube कर लेते हैं। तो शुरू करने से पहले एक और सवाल है मेरा आप दोनों से। अंकिता जी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था स्कूल टाइम पे? इंग्लिश। श्रीमान भाई, आपका? कोई भी नहीं फेवरेट सब्जेक्ट। कोई तो होगा, मतलब यार सबसे इजी, ये सबसे ज्यादा मार्क्स किस में आते थे? मतलब नहीं, वैसे मतलब देखो, रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट फेवरेट होता है मुझे, ऐसा लगता है, तो मुझे इकोनॉमिक्स थोड़ा अच्छा लगता था। इकोनॉमिक्स मेरा वैसे श्रीमान भाई केमिस्ट्री फेवरेट था, हमारी केमिस्ट्री जो क्या पढ़ाती थी मैम, टीचर बहुत ही खूबसूरत तरीके से पढ़ाती थी। तो हमारे इस सीरीज में आपसे एक बार टर्न क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक सही जवाब का +1, गलत जवाब 0, कुछ नहीं, आप पास भी कर सकते हैं, ठीक है? और आपको मैं थोड़े से हिंट दूंगा, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में, सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट? बिल्कुल पिद्दी सा नहीं, उसके दूसरे अलावा, उसका दूसरा नेपच्यून नहीं। अब अंकिता जी आप बताए। नहीं, व्हाट? वाह, इट्स नॉट मार्स, वीनस।
हाउ इज वीनस इज नॉट दैट हॉट कुछ भी कुछ भी यार कहाँ बना था? ये बना था सीधा फ्रांस और इंग्लैंड. आप एक बताइए. फ्रिंगलैंड. फ्रिंगलैंड क्या होता है? See, I'm gonna say France. सही जवाब फ्रांस. Yes, तो, I knew it was तो फ्रांस में वो बना था, असेंबल हुआ था और फिर उसकी कंस्ट्रक्शन न्यूयॉर्क में है ही. मेरा जनरल नॉलेज एकदम खराब है. एक सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं? एक सेकंड में हाँ कितने मिली सेकंड होते हैं टीचर? एक सेकंड में 60 मिली सेकंड होंगे. साठ नहीं होते, 100. एक और इंट देता हूँ, चलो मतलब एक और ट्राई देता हूँ आपको. 60 भी नहीं है, 100 भी है, थोड़ा ज्यादा है टीचर. 120 टीचर. अरे अंकिता रुको यार, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ. रुको, एक सेकंड में कितने मिली सेकंड कैसे पता नहीं तुझे सीमान? तेरी जिंदगी बर्बाद, इतने वीडियो एडिट करके तूने क्या हासिल किया? एक सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं? 100 से ज्यादा है क्या? हाँ 100 से ज्यादा, बहुत ज्यादा 100 से. तो किलोमीटर से करो श्रीमान. हाँ 1000 मिली सेकंड. सही सही yes, सही जवाब. yes, अंकिता थैंक यू, अंकिता थैंक यू. नहीं बहुत ही अच्छा जुगलबंदी यहाँ देखने को मिलती है. अंकिता ने हेल्प करा श्रीमान भाई को. स्पाइडर की कितनी टांगे होती है? हाउ मेनी लेग्स डज अ स्पाइडर हैव? 8. करेक्ट जवाब, करेक्ट. मैं 6 बोलने वाला था बट मैंने दूसरा स्पाइडरमैन दिमाग में लिया तो उसकी 8 थी. स्कोर 2-1. तो श्रीमान भाई आप अभी दुबई गए थे बराबर? हाँ. तो दुबई से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा. जो कैमल होता है कैमल, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ठीक है श्रीमान भाई. ये ना बहुत स्कूल में लगातार आता है. कैमल को कैमल का कलर कौन सा होता है? नहीं कैमल की जो हम्प होती है, हम्प जो उसका क्या कहते हैं हमको हिंदी में, जो उसका पाट पाट कुबड़ी कुबड़ी हाँ, उसके अंदर क्या होता है, क्या स्टोर करता है कैमल? या मैंने आपसे स्टोरेज बैग भी होता है? क्या बात कर, कैमल उसके अंदर नहीं स्टोर नहीं करता, कंटेन क्या होता है मतलब वो क्यों है? पानी पानी. यस नहीं पानी नहीं है श्रीमान भाई. एक और हिंट, एक और. पानी होता है राका? नहीं 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 पानी नहीं है. पानी होता है स्कूल सुसु क्या? सुसु सुसु कैसे हो गया श्रीमान भाई? अरे उसका बॉर्डर ऊपर हुआ तो. नहीं नहीं और क्या लगता है बॉडी में, और क्या लगता है बॉडी में? खाना 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 मतलब जैसे कि वो ना खाता है और वो उधर जाके उधर स्टोर भी करता है. हाँ तो क्या क्या स्टोर हुआ वो, क्या स्टोर हुआ वो, क्या कहते हैं उसे? ओ श्रीमान खाना खा के क्या होता है, क्या आती है? उल्टी. अरे मुझे चक्कर आने लग गया. एक मिनट. अरे खाना खाके, अरे खाना खाके उसका कचुंबर होता है और फिर वो सेट. नहीं नहीं आप में क्या आती है खाना खाके? हाँ एनर्जी. हाँ एनर्जी बनती किससे और क्या? फैट. ये करेक्ट. स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. ओ ओ ओ मुझे पता है. अरे ऐसे मत करो. स्मॉलेस्ट कंट्री, अरे मुझे भी हिंट दो यार. उसके नेम में सिटी आता है. Velocity. ये मेरे thoughts है ठीक है, ये answer नहीं है. अंकिता वो Vice City के अंदर है. हैं? अरे वो टॉनी ने क्या जाता है उस सिटी से? Vice City. अरे कितना इजी है इसकी. स्किप होगा अंकिता? नहीं मैं गलत जवाब भी देना पसंद करूँगी. हाँ हाँ जरूर दीजिए. Uganda. नहीं बिल्कुल नहीं है अंकिता वो. जीवन भाई आप बताइए स्मॉलेस्ट कंट्री वर्ल्ड की. वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री है राका भाई, लिबर्टी सिटी. क्या बात कर रहे हो? हाँ आप यहाँ से आप लिबर्टी सिटी, लिबर्टी सिटी के ए पॉइंट से अगर टॉनी को बाइसिकल देके भगाओगे तो एंड तक वो 2 मिनट में पहुंच जाता है, इतनी छोटी तो सिटी है वो. वैटिकन सिटी है आंसर श्रीमान भाई. हे भगवान कौन सा वैटिकन सिटी? ये जीटीए बोले तो फिर मैं जीटी की मैं भी बोल श्रीमान भाई जीटी के बोल रहे हैं. अरे तो मुझे आंसर नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा. इन्होंने तुरंत बोला, तुरंत बोला मुझे पता है, मेरे को लगा पता होगा. इंडिया की वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन इकलौती कौन है? टॉल है, पतली है,
एकदम लंबे बाल नहीं है उसके, चोटी बांध के गई थी। पीवी सिंधु। तो अंकिता, ये वाला सेशन आप जीती हैं, स्कोर हो रहा है 3-2। बट श्रीमान भाई, आपके पास अभी भी टाइम है, 5 रैपिड फायर क्वेश्चन किए जाएंगे अगले सेशन में, ठीक है? उसमें आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, आप पहले अपना नाम लेंगे फिर आंसर देंगे। तो इससे शुरू करने से पहले अंकिता, आप अपनी कोई स्कूल की मेमोरी, कुछ फनी मेमोरी आपको याद आ रही है कि स्कूल में बहुत मस्त चीज हो गई, थोड़ा संक्षेप में अगर आप हमें बता पाए तो। हाँ, मैं एक बार साइंस एग्जीबिशन के लिए दूसरे स्कूल गई थी, वहाँ पे मैं मैकडॉनल्ड्स खाने के लिए भाग गई थी अपने स्कूल वाले बॉयफ्रेंड के साथ। हम लोग एक्चुअली साइंस एग्जीबिशन के लिए गए थे, तो वहाँ पर ना मुझे पापा ने फोन करके बोला कि घर पे खाना नहीं है, खा के आना, मैकडॉनल्ड्स जाके आना। तो फिर मैंने टीचर को बोला, तो टीचर बोली कि नहीं, हम तुम सबको स्कूल तक ड्रॉप करेंगे। तो फिर मैं और मेरा स्कूल का जो बॉयफ्रेंड था ना, हम लोग गए थे रोड क्रॉस करके, मतलब सेम डायरेक्शन में बीच में लेन था, वो लेन क्रॉस करके हम लोग रिक्शा पकड़ने गए थे हमारे स्कूल के लोगों के लिए। टीचर सब खड़े थे ये साइड पे, उसको पता था कि मुझे खाने जाना है मैकडॉनल्ड्स। तो फिर हम लोग को एक रिक्शा मिली, तो हम लोग दोनों बैठे, फिर हम लोग ने वो लेन क्रॉस किया, मतलब ऐसे सिग्नल था, वो सिग्नल क्रॉस किया, इन लोगों को पिकअप करने के लिए लेफ्ट में रुके थे, और वो सब वहां से हाथ दिखा रहे, रुको रुको रुको, और मैं यहाँ से रिक्शा वाले अंकल को बोल रही, अंकल रुको रुको रुको। और फिर वो लड़का मेरे बाजू में, ही वाज लाइक, अंकल भगाओ, अंकल भगाओ। पकड़े गए तुम, पता लगा? ऑब्वियसली हम टीचर के मुंह के सामने से उनको बाय बोल के गए हैं, रिक्शा भाई डेयरिंग है भाई, ये तो डेयरिंग है। हाँ, वो बोला अंकल भगाओ भगाओ, तो अंकल भी भगा लिए। फिर हम लोग मैकडॉनल्ड्स गए, हम लोग ने खाना खाया, फिर हम लोग स्कूल गए, तो स्कूल पे कोई नहीं था, तो हम लोग घर चले गए अपने अपने। फिर नेक्स्ट डे मेरी वाइस प्रिंसिपल ने पापा को स्कूल में बुलाया कि आपकी बेटी ने ऐसे ऐसे किया है। कौन सी क्लास की बात है ये? 9th। वाओ, कितनी प्यारी रोमांटिक स्कूल स्टोरी है। 9th में ये सब हो रहा है, भगवान। आपकी कोई स्टोरी? मैं अंकिता ने भागने का टॉपिक लिया, तो मैं भी वही स्टोरी। स्टोरीज तो बहुत है, लेकिन उसमें से एक है कि मैं स्कूल में ना, मैं बैक बेंचर्स, मैं ऐसा ना लेफ्ट में खिड़की रहती थी, उसके पास बैठता था ग्रुप में। तो हमने क्या किया कि हम जिस जगह पे बैठा करते थे ना, उस जगह की जो एक सलाखे होती है ना, सलाखे स्कूल के, रेलिंग, उसमें से एक रेलिंग है ना, हमारे बीच में से एक बंदे ने, वो उसमें ताकत बहुत अच्छी थी, तो उसने वो रेलिंग धीरे 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 करके खराब कर दी। अच्छा। और वो हमने एक दिन निकाली, और हमने जस्ट चेक किया कि निकालने के बाद कहीं स्कूल में वो चेक तो नहीं कर रहे कि रेलिंग निकली क्यों है, क्या है। वो निकलने के 3-4 दिन के बाद फिर उसमें से हमने भागने का अटेम्प्ट किया, और उसमें से भागने का सक्सेसफुल अटेम्प्ट पहला जिसने किया वो मैं रहा हूँ, मतलब हाँ, थैंक यू। फिर हमारा उस खिड़की से भागने का जो सिलसिला है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन एक ना एक दिन आपको पता है चीज पकड़ी जाती है, उस तरीके से हम पकड़े गए, फिर हमारे ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई भी हुई थी। वो बहुत बड़ी स्टोरी है, मगर ये बहुत डेयरिंग चीजें बताई भाई, दोनों ने रेगुलर स्कूल रनर्स है, वही तो, दोनों इतने डेयरिंग है। मेरे पास ऐसी कोई स्टोरी नहीं है कि मैं भागा हूं। तुमने कभी बंक नहीं मारा राका स्कूल से? नहीं, मैंने कभी। मुझे लगता है राका भाई एकदम प्रॉपर पढ़ाई करने वाले व्यक्ति रहे, करके अपने बेंच पे बैग रख के पूरा दिन घूमे, फिर जब स्कूल छूटती है ना 1 बजे, तब वापस से अपना बैग पिकअप करने। नहीं, ऐसा नहीं, मैं बहुत मजा आता था स्कूल में, मेरे को बहुत मजा आता था, मैं क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत था और मैं पूरे दिन स्पोर्ट्स ही खेलता था, तो मेरे को तो बहुत मजा। हां, तो नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं, ठीक है, जिसका है रैपिड फायर। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इसरो तो पता है ना, जैसे नासा है, जैसे इंडिया का। आप पास भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं स्किप कर दूंगा क्वेश्चन दोनों के लिए। नहीं नहीं, मैं वो श्रीमान इंडियन साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल बहुत ही गलत है अंकिता। इंटरनेशनल। हाँ, इंटरनेशनल इंडियन है क्या? नहीं, नहीं, आगे तो बोलो। तो मैं बोलना चाहूंगी कि अंकिता, मतलब तुमने भी वही दिमाग में रखा था ना, सच में? ओ भाई यार, इंडियन स्पेस। हाँ, और वही 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 कनेक्ट करो अंकिता, वही कनेक्ट करो। स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट, चंबर रख के वही है, चंबर रख के वही है, मैं बोल रहा हूँ ना। मैंने मैंने पूरा थ्रो किया, मतलब। इलेक्ट्रिसिटी किसने डिस्कवर करी थी? श्रीमान न्यूटन। नहीं, उसने ग्रेविटी की थी। मैं बताता हूँ, स्किप करेंगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, मुझे तो बॉलर लगे ये। कितने के बी होते हैं अंकिता? 1000। गलत जवाब। क्या बात कर रहे हो, 1000 होते हैं? श्रीमान भाई, श्रीमान भाई प्लीज ये मत बोलना, आपको नहीं पता ये। 10,000।
नहीं, एक एमबी में, एक एमबी कितने कितने केबी होते हैं? 1,00,000। नहीं है? कैसे नहीं पता, ये तो बहुत ही सिंपल है। 10,00,000। नहीं नहीं नहीं, ए भगवान, एक मेगाबाइट्स में कितने किलोबाइट्स होते हैं? अरे राघव भाई, ऐसे कैसे 10,000 के भी हो सकता है? 5? नहीं, 1,000 हो सकता है, 100 हो सकता है। आंसर है 1024 के भी। अरे मैं 1,000 बोल रही थी। 1024 के भी यार। राइट। मुझे 1,000 तो पता था, तो 0.5 मिलेंगे क्या? नहीं। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है श्रीमान महाराष्ट्र। हाँ बताइए। नहीं महाराष्ट्र नहीं है। अंकिता राजस्थान। राजस्थान करेक्ट जवाब। अच्छा गावत रे, अंकिता तुम पढ़ाई करके आई हो यार, शी बाबा। राजस्थानी हूँ श्रीमान। मैं तो उसके बाद यूपी बोलने वाला था। सबसे फास्टेस्ट एनिमल लैंड पे कौन सा है? फास्टेस्ट एनिमल श्रीमान चित्ता। करेक्ट शिवन भाई, करेक्ट। चीता। थैंक यू सो मच। 5-3 शिवन भाई ने करेक्ट बोला। चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड। एक डेकेड में कितने साल होते हैं? मैं बोलूं। उनको आ रहा है अंकिता इसका सवाल। हाँ जवाब होता है 10। 10 इज द करेक्ट। शिवन भाई आप क्या सोच रहे थे, मेरे को जानना है? नहीं वही 10 ही सोच रहा था, बट मैं मुझे लगा मैं गलत हो जाऊंगा। अरे बोल ही देते ना। हाँ बोल ही देते। तो गाइस एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। इस एपिसोड की विजेता हैं मिस अंकिता चौहान। ये 1,00,000 रुपए। तो आप इन दोनों को भी सब्सक्राइब करें, अंकिता सी और अंकिता का एक और चैनल है अंकिता शॉर्ट्स है शायद। जस्ट अंकिता है। और दूसरी तरफ श्रीमान लेजेंड जहां पे लाइव स्ट्रीम करते हैं, और इनका श्रीमान एक और श्रीमान लेजेंड चैनल है ना ब्लॉग। हाँ मेन चैनल है, वहां पे जाके सब्सक्राइब करें, यहां पे भी सब्सक्राइब करें। राका का भी ऋषभ करणवाल सब्सक्राइब करें और ये चैनल भी सब्सक्राइब करें फॉर मोर एपिसोड्स एंड मोर न्यू कंटेंट। तो इसके लिए आप लाइक करिए इस वीडियो को और कमेंट सेक्शन में बताइए अगले एपिसोड में आप किसको देखना चाहते हैं या फिर और किस प्लेयर को आप देखना चाहते हैं आपस में कम्पीट करे हुए। और ये भी बताना कि कमेंट सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता था। ठीक है, मैं आपको मिलूंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लाइक सब्सक्राइब शेयर। अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे। ओके 3-2-1 स्टॉप।